फ्री फायर ने जो ये नया एल्पाइन मैप लॉन्च किया है, इसमें चार की जोन्स हैं, स्नोफॉल, वेंटेज, रेल रोड और डॉक। और मजे की बात यह है कि इस सब में हाइडिंग स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं। न्यू ईयर होते ही अगर आप फ्री फायर लॉगिन करेंगे तो एक तो आपको मैजिक क्यूब मिलेगा और दूसरा आपको येटी पैट मिलेगा। अब येटी पैट का फायदा यह है कि अगर आपको कोई एनिमी अटैक करता है तो वो 15% डैमेज खुद पे ले लेगा। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। हाल ही में हुए यंगस्टर्स के कॉन्सर्ट में क्राउड में से किसी बच्चे ने खाली पानी की बोतल अंजुम को दे मारी। अंजुम तिरछा कट मार के बोतल को डॉच तो कर गया लेकिन उसका मूड बहुत फक हो गया। इस घटिया हरकत पे अंजुम के टूटे हुए अर्थ और अंजुम आगे गुस्से में उस बॉय को ये कहने लगे कि अगर तू सैकड़ों बाप की इकलौती औलाद है तो इधर आ, मुंह के सामने मुझे ये बोतल मार। अंजुम ने उस बॉय को एहसास दिला दिया कि जिगरा छाती देख के नहीं नापा जाता। उसने ये तक कहा कि ये लड़का मड़का कोई नहीं, ये सिक्योरिटी फिक्योरिटी कोई नहीं, तू इधर आ, मैं तुझे अकेले निपट लूंगा। मेरा नाम है सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी। तुम्हारा हाथ में दो दो का तुम्हारा नाम है अजय देव। ये लड़का मड़का कोई नहीं, ये लड़का मड़का कोई नहीं। दिस सिक्योरिटी एवरीथिंग मैं इनको नहीं जानता, मैं तुझे खुद निपट लूंगा यहाँ पे। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मेरा कॉन्सर्ट होता और ये बोतल मुझ पे बजती तो मैं तो सिक्योरिटी वालों को खारिज नहीं कराता भाई, मैं ये खुद निपटने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिक्योरिटी वालों को देखता, उसके मुंह की तरफ देखता और उनको मैं बोलता, मुंह क्या देख रहे हो, भून डालो साले को, छन्नी छन्नी कर दो। ये जिसने खाली बोतल फेंकी, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो ऐसे नहीं करते, अगलों ने मेहनत की है, उन्होंने मकाम बनाया है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। और खाली बोतल से क्या होता है, चोट भी नहीं लगती। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हो सकता है वो लड़का स्टार स्ट्रक हो गया, उसे समझ ना आ रहा हो, सकता है वो ये देखना चाह रहा हो कि ये असल में कॉन्सर्ट हो रहा है, ये असली है कि नहीं है, इसलिए बोतल फेंक के देख रहा हो। लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि जो भी नजर में वो असली है। मैं बस उस बंदे को यही कहना चाहता हूँ कि यार देख, एक तो तू अफसाने लिखता नहीं है इसलिए लोगों को दिखता नहीं है, तो जो लिखते हैं, जो दिखते हैं, जिनकी इज्जत है, उनको तो भाई बोतलें ना मारना। और तेरे पे असर हो रहा है, वो कह रहे तेरे पे असर हो रहा है तो फिर शिकवा क्यों कर रहा है। तो जी अब बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की। ये स्पाइडरमैन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला स्पाइडरमैन पॉटरी है, ये पॉटर करता है स्पाइडरमैन। और ये नो वे होम इसलिए क्योंकि अब ये घर नहीं जा सकता, ये नशे में। स्पाइडरमैन की सारी बातें स्पॉइलर फ्री होगी, तो जिसने फिल्म नहीं देखी कोई मसला नहीं, हम तुम्हारी फिल्म पे हगने वाले नहीं है भाई। तो हम सिर्फ फिल्म के प्लॉट की बात करेंगे और उतनी डिटेल की ही बात करेंगे जितनी ट्रेलर में रिवील हो चुकी है। तो जानी स्पाइडरमैन आजकल बहुत परेशान चल रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि 9 नंबर गली वाले शकूर मोची का सबसे छोटा बेटा स्पाइडरमैन निकला है। अब क्योंकि सबको पता चल गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो लोग उसको तंग कर रहे हैं, उसकी जिंदगी अजाब बन गई है, वो जहां जा रहा है लोग उसको छेड़ रहे हैं। मिसाल की बात, अगर वो किसी मार्ट में जा रहा है तो कोई आंटी उसको कह रही है, बेटा वो ऊपर से लेमन मिक्स बार तो उठा के देना, मेरा हाथ नहीं जा रहा। एंड ही बी लाइक, अजीब सीन हो गया, गली का चौकीदार कह रहा है भाई मेरी चारपाई टूटी है, इसको जरा वेब मार के पूरा तो कर दे। पीटर के दोस्त उसको तंग कर रहे हैं कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, आज जाना है लेकिन रश बहुत ज्यादा है, तो तू मुझे स्विंग करा के ले जाएगा। इस सबसे परेशान आके स्पाइडरमैन चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। अब डॉक्टर स्ट्रेंज बीइंग स्ट्रेंज ठंड में 16 डिग्री का एसी चला के बैठा हुआ है। आते ही स्पाइडरमैन स्ट्रेंज के सामने अपने रेंडी रोने शुरू कर देता है कि भाई कोई तंत्र मंत्र जादू शंतर, कोई जादू टोना फोना शोना मोना करो, लेकिन सबको भुला दो के पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, या लेके पीटर की पुरानी जिल्लत वाली जिंदगी वापस आ जाए, वही पीटर पार्कर पीटर पराकर दोबारा से हो जाए। जादू टोने में कोई भंड हो जाता है और ग्रीन गोब्लिन, इलेक्ट्रो, ऑक्टेवियस ये सारे किसी और कायनात से इधर आ जाते। फाइट के बाद ऑक्टेवियस को पता लगता है कि ये तो अपने वाला पीटर पार्कर है ही नहीं, ये तो कोई और है। तभी पीटर उसको इजी कराता है और उसको चाय सूटे पे घर बुला लेता है। पीटर अपने संगियों के साथ मिलकर ऑक्टेवियस को झुकते भी कराता है। तेरे इतने हाथ है ये बता, स्तंजा किससे करता है, तू तो शैम्पू और साबुन एक साथ लगा लेता होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज उनको समझाता है कि देखो यार, छू मंतर काली कलंतर में मैं काली कलंतर कहना भूल गया था, इसलिए बाकी यूनिवर्स से गुंडे आ रहे, तो मेरे को नहीं पता, तुम लोग को ये मसला हल करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, के मंगावा पिस्तौल। तभी झंडाया उसको बोलती है कि भाई तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि भाई ये एक नंबर के लुच्चे टुच्चे लफंगे हैं, गुंडे हैं, तो इनको भाई अपनी कायनात में वापस भेजो, वहां पे ये लोग मर जाएंगे। लेकिन स्पाइडरमैन कहता है नहीं, वो कहता नहीं, मैं कारी साहब को जानता हूँ, वो मदरसा दारुल इस्लामिया उस्मानिया में बैठते हैं, इनका एडमिशन उधर करा लेते, इनको नेक इंसान बना देते, इनको बदल देते। तभी स्पाइडरमैन और स्ट्रेंज की आपस में अनबन हो जाती है और आपस में ही लड़ने लग जाते। उधर से सैंडमैन
ऑक्सीजन, इलेक्ट्रो लिजर्ड सारे एंट्री मारते हैं, यानी के मामला हो जाता है और पेचीदा। अब जो पेचीदा हो गया मामला तो जाहिर सी बात होनी है एक फाइट। अब फाइट के लिए भाई कौन सी जगह होनी चाहिए, कहाँ पे, वो सारा कोई ना कोई तो अरेंज करता है ना। तो डॉक्टर स्ट्रेन सबको व्हाट्सएप पे मैसेज फैला देता है कि बॉयज कल स्टेचू ऑफ लिबर्टी बेरिया टाउन फेस 7 में सारे इकट्ठे हो जाना, उधर करेंगे बॉनफायर का भी सीन है और गिटार विटार के लिए भी एक दो लड़के मंगवाए हैं। बल्कि हम डायरेक्टली आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का वॉइस नोट सुना देते हैं कि भाई उधर क्या क्या होगा। भाई पार्टी डन करो भाई, 400 रुपए में आगा साउंड है, तिक्का बोटी है, पराठे है, एक बंदे की 3-4 कोल्ड ड्रिंक है, उसमें छालिया होगी, बबले होंगी। ट्रेलर के एक शॉट में ज़ेंडाया को गिरते हुए दिखाया जाता है और ये नहीं दिखाया जाता कि स्पाइडरमैन उसको बचा सकेगा या नहीं बचा सकेगा। उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गरीबों की तरह कैंपेन का इंतजार करना पड़ेगा। जो भी है मैं नहीं बता रहा, ये स्पॉइलर फ्री है भाई। ये तो होगी स्पाइडरमैन की बात, लेकिन ऑफ कैमरा ये जो टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया के बीच में आंख पटक कर चल रहे हैं, कभी वो उसको एड़ी मार रही है, कभी उसके खाली घुटने पे हाथ रख देती है, भाई इनको कोई रोको, इनका बहु रामी चक्कर चल रहे लाए, इनको कोई कमरा दे दो नहीं तो किसी झाड़ी के पीछे शुरू हो जाएंगे। हेलो सर्वाइवर्स, इस न्यू ईयर पे फ्री फायर ला रहा है एल्पाइन मैप और एक खास न्यू एज स्पेशल इंटरफेस, तो भाई आज ही जाके खेलें, अगर नहीं है तो डाउनलोड करके खेलें और पाएं जबरदस्त किस्म के मेल बंडल, फीमेल बंडल, M60 गन की स्किन्स, बैकपैक और येटी पैड और बहुत सारे इनाम। और हाँ भाई, मैजिक क्यूब 1 जनवरी को वापस आ रहा है। बूया! इफ यू लाइक दिस वीडियो तो हमारे दोनों चैनल्स को कर देना सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। ऑन कर छोटे बस अपना ऑन कर, बीटीएस ऑफ लाइफ तो सर अपना डाउन कर, सीन है ये बौरा में फ्लो मेरा चेक कर, समंदर करेंगे ये पार पे ना बोट के ब्रो मेरे बैठ कर, आगे जाएंगे पहाड़ों की भी। ऑन कर छोटे बस अपना ऑन कर, बीटीएस ऑफ लाइफ तो सर अपना डाउन कर।